हे गाइस, टेक्नो एज में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप मेरे वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा, जब भी मेरी नई वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए आज की टेक न्यूज स्टार्ट करते हैं। पहली खबर की बात करेंगे तो वो आ रही है रेडमी की तरफ से, जो कि रेडमी की तरफ से तीन खबरें आ रही है, दो बैड न्यूज और एक गुड न्यूज है। यहाँ दोस्तों अगर बैड न्यूज की बात करेंगे तो जो रेडमी के 9 सीरीज के फोन है उनके प्राइस इंक्रीज हुए। यहाँ दोस्तों रेडमी 9 सीरीज के फोन के प्राइस बढ़ गए। अगर आप रेडमी 9 आई का देखेंगे तो 300 रुपया बढ़ गया है, और उसके ऊपर के जो भी मॉडल है रेडमी 9 से लेके रेडमी 10S, जहाँ दोस्तों इनके सबके ऊपर 500-500 रुपया और बढ़ गया है। जहाँ दोस्तों अभी तो शुरुआत है, अभी और आगे प्राइस बढ़ेंगे, लेकिन कब बढ़ेंगे ये तो आने वाले वक्त ही में मालूम पड़ेगा। दूसरी खबर की बात करेंगे तो ये बहुत ही बुरी खबर है दोस्तों। जी हाँ, देखेंगे एक नया स्मार्टफोन जो कि पोको का ब्लास्ट हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये बंदे का नाम है ट्विटर पे ट्वीट करके बताया है, और ये बंदे का नाम है अम्मी भरद्वाज। जी हाँ दोस्तों, अमी भरद्वाज ये ट्विटर पे एक बंदे ने ट्वीट किया है जो कि इसका खुद का फोन ब्लास्ट हुआ है। इसने देखेंगे कि ये ट्वीट किया है, बट आई जस्ट बॉट द फोन 2 months ago एंड लुक एट दिस फोन गॉट ब्लास्ट। जी हाँ दोस्तों, ये चार्जिंग को जैसे ही लगाया ये फोन ब्लास्ट हुआ, चार्जिंग करते समय। जी हाँ दोस्तों, आप अपना फोन ठीक से चार्ज कीजिए और डुप्लीकेट चार्जर तो बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिए, इससे भी बैटरी और मोबाइल पे इम्पेक्ट पड़ता है। जो आपके फोन के साथ में कंपनी का चार्जर आया हुआ है उसी से साथ चार्ज कीजिए, इससे क्या होगा आप भी सेफ रहेंगे और आपके फोन भी सेफ रहेगा। और इसको पानी वगैरह से दूर रखिए, गिरने से दूर रखिए। अगर आपने कोई भी अगर फोन में प्रॉब्लम है तो यूज़ मत कीजिएगा। जो भी कंपनी का फोन होगा नियर बाय सर्विस सेंटर में जाइए, उसको दिखाइए, उसके बाद में ही आप फोन यूज करिए, जिससे आप भी सेफ रहेगी और आपकी फैमिली भी सेफ रहेगी। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही में दोस्तों खुशखबरी ये है कि रेडमी 10 प्राइम के पूरे स्पेक्स लीक्स बाहर आ चुके हैं। कितना वेरिएंट होगा और क्या प्राइस होगा, अगर इसके स्पेक्स की बात करेंगे तो 6.5 इंच का एक फुल एचडी प्लस का आईपीए डिस्प्ले होगा, और साथ में 90Hz रिफ्रेश रेट होगा, और साथ में मीडिया टेक हीलियो G88 वाला प्रोसेसर होगा। जी हाँ दोस्तों, मीडिया टेक का प्रोसेसर होगा जो कि गेमिंग करते समय हीट होता है ये प्रोसेसर। जी हाँ गाइस, और साथ ही में 50 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल बैक साइड में क्वाड कैमरा होगा, और फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल होगा, 6000mAh की बैटरी होगी, और साथ ही में 18W का फास्ट चार्जिंग होगा। और प्राइस अगर देखेंगे तो 4GB और 64GB का प्राइस 12,500 रुपये, और 6 128GB का प्राइस 14,500 रुपये, जो कि थोड़ा ओवर प्राइस लगा दोस्तों। जी हाँ, अगर 6GB 128GB का प्राइस 12,000 होता और 4GB 64GB का प्राइस 10,000 होता तो ठीक होता। देखेंगे ये 7 सितंबर को लॉन्च होने वाला है, और क्या खास होगा ये तो लॉन्च होने के बाद ही मालूम पड़ेगा, उसके लिए स्टे ट्यून करना। दूसरी खबर की बात करेंगे तो वो आ रही है रेड मैजिक की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, जो कि रेड मैजिक 6S प्रो के लाइव फोटो बाहर आ चुके, देखेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है और देखने भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। देखेंगे क्या प्राइस पे और कब तक लॉन्च होगा ये तो आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। रेडमी 7 सितंबर को अपने फोन और कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाला है, तो रियलमी कैसे पीछे रह सकता है। जी हाँ दोस्तों, रियलमी का 9 सितंबर को भी जो कि प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले, जिसमें से उसका रियलमी पैड भी होगा। अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 10.4 इंच का एक फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले होगा। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही में 60Hz डिस्प्ले होगा, और सबसे बढ़िया अगर बात करेंगे तो इसमें मालूम है प्रोसेसर कौन सा होगा, जो कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट पावरफुल प्रोसेसर होगा। जी हाँ दोस्तों, MediaTek Helio G80 जी हाँ दोस्तों, जो कि MediaTek Helio G80 का प्रोसेसर होगा, और साथ ही में 7100mAh की बैटरी होगी, और साथ ही में 18W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा, और साथ ही में 8MP का रियर कैमरा होगा, 8MP का फ्रंट कैमरा होगा, वाईफाई LTE वगैरह होगा, और इसकी प्राइस की बात करेंगे तो 17,000 के आसपास होगा।
जी हाँ दोस्तों, ये देखेंगे क्या प्राइस पे होगा और किसमें क्या और क्या खास होता है, ये आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। और साथ ही में Realme 8i और Realme 8s 5G दो स्मार्टफोन भी लॉन्च होने वाले हैं, देखेंगे क्या खास होता है, ये तो आने के बाद ही मालूम पड़ेगा, उसके लिए स्टे ट्यून करना है। इसके बारे में जरूर वीडियो बनाकर आपको अपडेट करूंगा। अगली खबर की बात करेंगे तो वो आ रही है इन्फिनिक्स की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, इन्फिनिक्स के दो फोन के लाइव फोटोज बाहर आ चुके हैं। अगर इसकी मॉडल्स की बात करेंगे तो इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो और दूसरा होगा जीरो एक्स प्रो। जी हाँ दोस्तों, अगर इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो का डिस्प्ले होगा 6.95 इंच का और जीरो एक्स प्रो का डिस्प्ले होगा 6.7 इंच का। जी हाँ दोस्तों, देखेंगे क्या खास होता है इसमें और इसमें प्रोसेसर और स्पेसिफिकेशन क्या होंगे, ये तो आने के बाद ही मालूम पड़ेंगे, उसके लिए स्टे ट्यून करना। अगली खबर की बात करेंगे तो वो आ रही है गूगल की तरफ से, जो कि गूगल ने एक नया फीचर्स टेक्नोलॉजी लॉन्च किया है जिसका गूगल न्यू टेक्नोलॉजी लॉन्च इमेज रेजोल्यूशन चेंज। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये होगा जो भी आपके ओल्ड फोटोज होंगे यानी ब्लर टाइप के, आप उसको HD और FHD तक उसको रेजोल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हो। जी हाँ गाइस, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास में कोई ओल्ड फोटोज है, जी हाँ, अगर इसका रेजोल्यूशन देखेंगे तो 64x64 की अगर आपके पास में फोटोज है जो कि ओल्ड वाली ब्लर वाली, तो इसको आप जो कि आप 1024 तक कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि गूगल के लिए बहुत ही बड़ी बात है और ये लोगों के लिए भी बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अगर आपके पास में ओल्ड फोटोज है तो थोड़ी देर रुकिए, ये अपडेट आ जाएगा, उसके बाद में आप इसका मजा ले सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए ऐसे प्यारे प्यारे टेक न्यूज लेकर आने के लिए, तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगली खबर की बात करेंगे तो वो आ रही है Realme की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, जो कि Realme का जो कि 9 सितंबर को इवेंट होने वाला है, तो उसके अंदर पॉसिबल होगा कि Realme 9 सीरीज का स्मार्टफोन भी लॉन्च हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रेंसिंग वांग बोल के ट्विटर पे यूजर से ये इन्होंने ट्वीट करके बताया है कि Realme 9 सीरीज भी लॉन्च हो सकता है। अब ये होगा नहीं होगा ये तो रूमर्स है, ये तो 9 सितंबर को ही मालूम होगा, उसके लिए स्टे ट्यून जरूर करना।